सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद भीष्मार अथा अगणत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आप जी बड़भागे हो जो अठवें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु, जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वड़ियाइयां दे मालक गुरु हर कृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे आं, जुगो जुग अटल शतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक वार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। अज मगर दा महीना आरंभ होया है और हर महीने दी तरह लड़ीवार कथा नू विराम दे के इस नवे महीने दे प्रथाए जो उपदेश पंजवें पातशाह ने गुरु अर्जन दे पिता महाराज ने मांझ राग अंदर बारह महाबाणी दे विच बख्शिश कीता है, उस पावन शब्द दा मूल पाठ आप जी ने गुरु के वजीर भाई परमजीत सिंह जी होरा पासों सरवण कीता। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है, सारी ही बाणी दे विच अमृत है। इस सिखी दा मूल सूत्र है जिहड़ा इन्हां तिन्हां चीज़ां तो आसे पासे है, उन्हूं समझ लेना कि वह धर्म दे धुएं विच गवाचा होया है। छोटे हुंदिया
बच्चे बुझारतां पाउंदे हुंदे सी, मां जम्मी ना पुत कोठे ते बुझो ए बुझारत की है। ता पता लगदा सी तुआ भी अग अजे बली भी नहीं, ते तुआ धुआं जेड़ा है घर दियां चिमनियां तो निकल निकल के लोकां दियां आंढ़ियां गवांढ़ियां दियां कोठियां दियां छत्तां भी पार कर गया है। वो हालत साड़ी है भी धर्म का धुआं बहुत है, धर्म कोई नहीं है। मैं पिछले दिनी भी बेनती कीती सी कि असी सारी सिक्खी मत्था टेकण ते घुमाती है, दो मिनट दे मत्था टेकण वास्ते असी डेढ़ घंटा गड्डी चलाउण लई तैयार हाँ, पर डेढ़ मिनट बैठण लई तैयार नहीं हाँ। मैं फिर बेनती करा, दो मिनट दे मत्था टेकण वास्ते डेढ़ घंटा गड्डी विच बैठण लई तैयार हाँ, डेढ़ मिनट गुरु पातशाह दे घर दरबार विच बैठण लई तैयार नहीं हाँ। नहीं तो हो सकता है भी कदे गुरु दरबार खाली होन, क्योंकि असी इस गल नू समझण दा जतन ही नहीं कीता। भाई सिखा, जो तू चाहना है, तेरे चाहन तो पहला तेरा गुरु भी ओही चाहुंदा है। तू की चाहना है? तू ये चाहना है कि गुरु मेरे काम करे, गुरु मेरे कारज सवारे। सतगुरु भी कहंदा भी भाई मैं भी चाहना तेरे कारज सवरन, मैं भी तेरे कारज सवारने चाहना। फिर पुछना चाहिए भी ये नुकता रुकिया कित्थे है। वो सिर्फ इसे गलती रुकिया हुआ है। असी कहने बाबा आ फड़ 10 रुपये मैं चलिया ते मेरा काम कर दी, अचक 10 रुपये जे कर देगा ते मैं तेरा 6800 रुपया खंड पट दा भी दे दूंगा, वो भी तू कर दी। मेरे कोल वक्त नहीं है, मैं पिछले दिन भी बेनती कीती सी भी एक धर्मी आदमी है वो रोज आके कोई अरदास करांदा है, ज्ञानी जी उम्र वड्डी हो जाए सियाल आ गया कितने महाराज लै ही ना जाए। तुसी यकीन करना मैं अपने अखां नाल वेखे ने ऐसे बंदे, रब ज्यों बैड ते पाउंदा है कहिंदा जदों नक नाल लीका कढेगा ना हुण उदों खड़ूगा तैनूं, उन्ना चिर नहीं खड़दा, वंटी वेंटीलेटर ते भी पा के रखूंगा तैनूं। और शराबी कवाबी देखो तुहाडे नाल किन्नियां गल्लां करदे मैनूं नहीं पता, मेरे वर्गे नाल तो करदे ने। ज्ञानी जी हुण ते रब नूं कह दित्ता भी जदों मर्जी लै जी, ते रब भी कहिंदा भी जदों ये तैयार है ते मैनूं मंजी ते पा के खड़न दी की लोड़ है। एक सेकेंड च मरदे ने शराबी कवाबी, ते जिन्हें माला हाथ च फड़ के तुरन वाले ने सब मंजी ते पै पै के मरदे ने। रब कहिंदा भी तू जदों सहमत होएगा उदों लैके जावांगा, भी जाना ते लैके ही है, भी मैं कहड़ा तेरे कोल उत्थे इंडस्ट्री चलाउणी है। फिर बंदा नहीं, बंदे का परिवार भी कहंदा ज्ञानी जी कोई ऐसा सुखमणी पढ़ो, मैं कहना ना सुखमणी नहीं, वह कहंदे भी कोई ऐसा डंडा मारो बापू के सिर च कि तुहाडे पढ़दे पढ़दे मर जाए। पता नहीं गल पेच अड़ कित्थे गया, सानू गल समझ क्यों नहीं आती। असी कहने जी आ फड़ो 10 रुपये साडा काम कर दिओ, तो गुरु की कहंदा? गुरु कहंदा थिर कर बैसो करो कृपा, थिर कर बैसो
हर जन प्यारे सतगुर तुमरे कार्य सो। तू बैठ मैं तेरा काम करके आना। हुण दसो आपा की चाहुंदे आ। गुरु कहंदे तू मेरे कोल बैठ मैं तेरे काम करांगा। असी कहने नहीं तेरे कोल नहीं बहना। कोई बाहर गप्पी होएगा उहदे कोल बहवांगे, कोई गालड़ी होएगा तो उहदे कोल बहवांगे, कोई निंदिया चुगली सुनावे तो उहदे कोल बहवांगे। तेरे कोल बह के की करना है, तैनू की पता है? असी यह सोचते भी रब नू की पता है, रब नू तो किसी गल का पता ही नहीं। यह तो बाहर किसी बंदे नू पुछांगे भी सुना कोई नवी ताजी, वो फिर कहूगा भी वह रात को सिलंडर चोरी हो गया, वह रात को सैकल चुकया गया, वो कल गुरुद्वारे जुत्ती चुकी गई है। जुत्ती चुकी गई, उत्थे कैमरे नहीं सी लगे भला, जुत्ती किसी की चुकी, चुक कोई लै गया, साहब मैनू चढ़ गया है। कैमरे नहीं सी लगे उत्थे भला। ये साडी धर्म की अधोगति है। मां जम्मी नहीं, पुत कोठे ओ कोठी लोकां दे घर भी टप गए धूआं। सिखी दा मूल सूत्र है कि की तुसी बाणी नू गुरु मानदे हो? नहीं, असी फोटोआं नू गुरु मानदे हां जां बाबिआं नू गुरु मानदे हां। जे गुरबाणी नू गुरु मानदे ते इह गुरबाणी साडे कोल हुंदी। बाणी कंठ, पैसा गंठ। पैसे वो जिहड़े तुहाडे बटुए विच ने, तुहाडे पर्स विच ने, ते बाणी जिहड़ी तुहाडे चेते विच है। जिहड़ी गुटके विच बाणी है तुहाडी नहीं है। जिथे गुटका मिसप्लेस हो जाएगा उत्थे गवा जाएगी बाणी। ते जिहड़ा जपजी साहब तुहानू याद है वह किते नहीं गवाचदा। वो तो भाई मती दास के सिर ते आरा भी चलता है, तो जपजी साहब भी चलता है। गुटके वाला जपजी साहब तुहाडा नहीं, जिदन ऐनक अगे पिछे हो गई उदन ही रह जाएगा। बाणी गुरु नहीं है साड़ी। साड़ी गुरु जाते फोटो है तो जा कोई बाबा है। घंटे अंबती जाके बाबिया को बैठे हैं असी। तू घंटे छड़ कुछ मिनट अपने गुरु को बहना शुरू कर। मैं कहना चलो कुछ ना करो, एक एक्सरसाइज ही सही। मान लिया कि तुसी पढ़े लिखे हो, थोड़ा दिमाग नहीं मानता, थोड़ी साइंस नहीं मानती, थोड़ी मत सहमत नहीं है, चलो कोई गल नहीं, एक एक्सरसाइज ही करके वेख लो। हो सकता है ये गल तुहाडे जीवन नू बदल दे। एक नहीं बड़ियां पंगतियां ने और उहदे विच लिखिया भी है भी इहदा रीजन की है। तुसी सुनोगे नहीं, मैं बोलांगा नहीं, मैं सुनांगा नहीं, तुसी बोलोगे नहीं, आपां एक दूजे नू नहीं कहांगे क्योंकि असी मूर्खा। तो मैं मूर्ख दे अर्थ जिहड़े रोज बेनती करदा, जिहड़ा एक दूजे का मूँह रख लवे। मैं तुहाडा मूँह रख रहा, तुसी मेरा मूँह रख रहे हो। मैं तुहानू ठीक नहीं कहना चाहुंदा, तुसी मैनू नहीं कहना चाहुंदे। मैं तुहाडे तो पड़दा पा रहा, तुसी मेरे तो पा रहे हो। वो जिहड़ी सच सुनाई सी, सच की बेला, यह सिर्फ गुरु नानक दे हिस्से विच आया। वाहिद एक गुरु नानक है धरती ते, जिहड़ा बाबर नू उहदे मूँह ते कहिंदा है तू जाबर है, मलक भागो नू कहिंदा तू पापी है, कौडे नू कहिंदा तू राक्षस है, भूमिए नू कहिंदा तू चोर है, सज्जन नू कहिंदा तू ठग है। साडे च है किसे दी हिम्मत? अत दे शराबी बंदे नू कही जावांगे गुरमुखो की हाल है? मैं चंगे चंगे अमृतधारी वेखे ने, पता है सामने वाला बंदे दी फ्रिज च अजे भी दो चार बोतलां पईआं होणगीआं, फिर कही जाणे गुरमुखो की हाल है। पुछो बापू जी इहनू गुरमुख तो नहीं जी, वह साड़ी बोली है। नहीं, ये तुहाडी बोली नहीं है,
ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਕਵੇ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ? ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਵਕਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਧੀ, ਅਗੋ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਪਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੋਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਚੌਪਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸੋਹਿਲਾ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਖੇਡ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੁਕਤਾ ਇੱਥੇ ਅੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਫੜ 10 ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ, ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸੁਆਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸ। ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਮਗਰ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਗੇ? ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਤੇ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ। ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ,
जे तुसी मुंह पूरा खोल के बाणी नहीं पढ़ोगे ते तुहाडे कोलों ओ उचारण होएगा ही नहीं। कई गुरु के रागी सिंह गाउंदे बड़ा वधिया ने क्योंकि उन्हां कोल ट्यूना बड़िया वधिया ने, तरजा बड़िया सोहणिया गाउंदे ने, कई बाणी बड़ी वधिया पढ़दे ने। उन्हां दा एक एक पढ़िया अखर जिहड़ा गुरबाणी दा वो साढ़े हिरदे विच जाके टिकदा है। मैनू भी देखो, मैं कोई रागी सिंह तो है नहीं, थोड़ी बहुत ही संगीत की विद्या लई, पर अपना गला ही घोगड़ कां वर्गा सी, मैं तुरिया ही नहीं इस पासे। मैं क्या मैनू पता है मैं गा पावांगा ही नहीं, क्योंकि ओहो जिहा रसीला गला वाहिगुरु ने मैनू नहीं दिता। पर थोड़ी जी जानकारी पहला मिली, फिर जदों कदे रागी सिंघां दी अपॉइंटमेंट होनी, कदे उदों बैठण दा मौका मिलना, कदे बड़े बड़े वड्डे तुरंतर रागां दे माहर बैठदे सी, ते फिर कीर्तनिया सिंह रख्या जांदा सी, सिंह बंधु पाटल साहब वर्गे बंदे बैठदे सी। और उत्थे जाके पता लगा, नहीं तो कई बार तुम वेख्या कई कथा वाले भी हाथ मारते ने, कई कीर्तन वाले भी गतका खेडन लग पैंदे ने, फिर इदा इदा करी जाणगे। जिहड़े सिंह बंधु दो भरा सी ना, उन्हां चों इक उन्होंने मैनूं इदा नाल बिठा के रागी सिंह नूं समझा रहे, मैं भी समझ गया लागे बैठा। वो कहिंदे तुहाडी आवाज दा उतरा चढ़ा भी जिहड़ा है ना, वो तुहाडे शब्द नूं प्रगट करना चाहीदा, तुहाडे हाथ दा इशारा भी जिहड़ा है वो उस नूं दृढ़ाउंदा होना चाहीदा, तां जाके गल बनेगी, उदा नहीं बनेगी। वो छोटे होंदे ना एक हासे की गल सुनदे होंदे सी, भी किसी आदमी ने पहला मुड़न की गल की, मुड़ के मुड़िया ही नहीं, बड़ा पिछला आदमी सी, उन्हें कहा भी हुण इहने ते सज्जे पासे मुड़ जाणा, उन्हें गड्डी खब्बे पासे कर ली, वह दूजे ने भी करती, वह गड्डी रगड़ती उहदी। वह कहिंदा भी तू इदां बांह कीती सी बाहर निकल ली, कहिंदा जदों मैं बांह कीती सी ते मुड़ के मैं इदां भी ते कीता सी ना, कांटा भी ते मारिया सी ना, भी नहीं हुण नहीं मुड़ना मैं। गुरु दे कोल असीं आउने आ, इतों जो चाहो तुसी लैके जा सकते हो। साचे साहिबा क्या ना ही घर तेर है, घर तां तेर है, सब किश है। सब किश दा मतलब, सब किश दा मतलब मेरे हिसाब नाल जिन्नी कि मैनू जानकारी है, क्यों किन्नियां कि चीज़ां गिणनियां आउंदियां होणगियां मैनू, मैनू सारिया चीज़ों के ना ही नहीं आते, तो मैं की कहांगा भी केड़ी केड़ी चीज़ हैगी सच्चे पातशाह के घर विच। जिहड़ियां चीज़ों की तैनू जानकारी भी नहीं वह भी हैगियां ने, जिन्हां दे तैनू ना भी नहीं पता वह भी हैगियां ने। हो सकदा तेरियां लोड़ां थोड़ियां होण, पर इह घर एडा वड्डा है, इत्थे सब कुछ है, जो चाहेगा तू मिल जाएगा। जरूरत इस गल की कि इत्थे बैठ कि आपां कदे नोट कीता है कि गुरुद्वारियां नूं बनाउण दे विच इह जिहड़ी इमारत की गल ध्यान विच रखी गई वह भी इसे करके सी कि इत्थे असीं थोड़ा समां बैठ सकीए। बकायदा बैठन का प्रावधान किया हो गुरुद्वारे, इस करके किया।
पर ये सारिया गल्लां तां होणगियां जे सानू बाणी पढ़दिया पढ़दिया वो गल्लां दृढ़ हो जाण। हुण ये शब्द ते बहुत वारी सुने है, सज्जण सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह हो, वो हाहे नूं हो बनाती उहदी, उहदी लोड़ नहीं सी, लोड़ इस गल दी सी, सज्जण सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठे हाँ सो ही है सबना दा वेसा, फिर वसा हो वो लगा मात्रा वाले चले गए। इत्थे बैठो जेड़ा शाहां दा शाह है, जिथे सबना दा वसा, इत्थे सारयां दा भरोसा है। हो सकता मेरा घट होवे, इत्थे इस तो वड्डे भरोसे वाले भी बैठे ने। जिन्हां नूं इन्ना भरोसा है जिन्ना भगत प्रहलाद नूं सी, प्यो ने तलवार कढ ली है, कहिंदा ओए तेरा मैं गल कट देंगा, कहिंदा नहीं बापू तू नहीं कट सकदा, खड़क कढ ली, कृपान कढ ली। मैं तेरे टुकड़े कर देंगा, कहिंदा नहीं बापू तू नहीं कर सकदा। की होया फिर? परमात्मा नरसिंह रूप धारण करके प्रगट हो गया, उदे हाथ विच खड़ी फड़ी हुई कृपान जेड़ी है वो भगत प्रहलाद दा गल नहीं कट सकी। गुरबाणी तुहानू बार बार समझाउंदी है कि रब तुहाडे हत्थां पैरां तो भी नेड़े है। कहो रविदास हाथ पै नेरै सहजे होए सो होई। जे रब नूं तुसी हत्थां पैरां तो नेड़े मनदे हो ते धर्मी हो। बाणी गुरु है, सवाल ही नहीं कि ये बाणी सतगुरां ने महीने दे प्रथाए उचारी है, ये बाणी लावां दे प्रथाए उचारी है, ये घोड़ियां ने, ये अलाणियां ने, सवाल ये नहीं है। सवाल ये कि बाणी तो बाणी है भाई, प्रथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाने। अज भी सतगुरु साडा मार्गदर्शन करदे ने, मंगर महा सुहंदियां, मंगर महीने दा नाम है। इस महीने विच ओ जीव रूपी इस्त्रियां शोभदियां ने, ओ जग्यासु रूहां सोभदियां ने। ओ पवित्र जीव आत्मावां शोभदियां ने। हुण इत्थे पहलां ते असीं उस गल चों बाहर आईए कि मैं बंदा हाँ, ये औरत है, संगत दे विच कोई बंदा नहीं है, कोई औरत नहीं है। जदों तुसीं संगत विच आ गए ते साडे सारिआं ते गल लागू हो गई है कि आवो भैणे गल मिलै अंक सहेलड़ियां, मिलकै करें कहानियां समरथ कंतकियां, आओ भैणे आपां मिलीए, आओ मिल के असी समरथ कंत, जिहड़ा कंत कहिंदे ने पति, समरथ का मतलब जो जो कुछ भी कर सकता है, समरथ तो वही है, एक कर सके एक ना कर सके वह समरथ नहीं है, ये कर सकता है ये नहीं कर सकता वह समरथ नहीं है, समरथ वह है जो सब कुछ कर सकता है। इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाई। जिस जग जगत विच कोई पुरख है तो सिर्फ करता पुरख है। इनू कहिंदे ने मूल मंत्र,
कदे एदा अर्थ सुने ने, महीनिया माला करदा, कोई कहिंदा जी महीनिया माला करदा, भी तू इहनू डबल भी कर लेवेगा तां भी फर्क नहीं पैणा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर काल मूर्त जुनि सबंग गुरु प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर काल मूर्त जुनि सबंग गुरु प्रसाद। तू हजार की दो हजार रोज कर तां की फर्क पैण लगा। तू ये दस भी तू पुरख करता पुरख नूं मनदा कि हर पुरख दे अगे हाथ जोड़दा फिरदा, कि कल्ले कल्ले दे अगे नक रगड़दा फिरदा। नहीं, इस जगत विच कोई पुरख नहीं है, सब मंगते ने, सब भिखारी ने, पुरख एक ही है, सिर्फ करता पुरख है। जे पुरख की गल करनी तो सिर्फ करते पुरख की करनी है। वो जेड़ा करता पुरख है, इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाई, आपा सारियां ओदियां जीव रूपी इस्त्रियां हाँ, असी हाँ पत्नियां, वो साड़ियां सारियां पत्नियां दा कल्ला इको ही पति है। कि परमात्मा नूं असी पति मन लिया, तो जे मन लिया तो दुनिया दे विच तुसी वेखो भी पति दा की स्टेटस है, की दर्जा है, की ओदी मानता है, ओदा की रुतबा है, ओदा की मरतबा है, एक स्त्री दी जिंदगी विच ओदी की थां है। कि ओ थां तुसी रब नूं अपनी जिंदगी विच दे दित्ती है, सिर्फ एक सुहागण तो समझण दी लोड़ है। जिहड़ी व्याही होई बच्ची है, व्याही होई जिहड़ी साडी धी भैण बेटी है, उन्हूं पुछ लो भी तू जिस ससुराल परिवार विच रहनी है कि उस घर विच इको ही बंदा है। वो कहेगी नहीं, मेरा जेठर भी है, मेरा देवर भी है, मेरे सहुरा साहब भी ने, पति इको ही है। वो सब दी रोटी भी पकाएगी, सब दा दे कपड़े भी धोवेगी, सब दे भांडे भी मांजेगी, सब दा मंजा बिस्तरा भी विछाएगी, पर उन्हें सारिआं नूं पति नहीं मन्निआ। कोई जेठ है उन्हूं वड्डा भरा मन्निआ, कोई देवर है उन्हूं अपना छोटा भरा मन्निआ, कोई सहुरा है उन्हूं अपना पिता मन्निआ। पर इत्थे ते हद है, इत्थे भी मत्था टेकना, उत्थे भी मत्था टेकना, उत्थे भी मत्था टेकना। कईआं दी ते सवेर दी तुसीं किते ओह किते उहनां दी ओह किताब पढ़ो ना, भी जिहड़ी उन्होंने अपना रूट बनाया होया है। कई बंदे दो ढाई घंटे सवेरे इसे एक्सरसाइज ते हुंदे ने कि पूरी दिल्ली च मत्था टेकना है उन्होंने। बस इन्ना ही फर्क है दुहागण ते सुहागण विच। सुहागण नूं किते नहीं जाण दी लोड़, वो एक घर विच रहिंदी है, उहनूं सारे हक हकूक सारे माण सन्मान उस औरत नूं प्राप्त ने। सतगुरु बाणी च बार बार कहिंदे ने कि भाई तुसीं किसे सुहागण तों ही पुछ लो, जाए पुछो सुहागणी तुसीं रावया किन्नी गुणी। साडे सामने है उस बच्ची ने भरे समाज विच पहला पल्ला फड़िया है, बकायदा असी क्या रागी सिंह नूं शब्द पढ़ो जी, उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंझाई अज तो बाद। उस्तत की है चंगियाई, निंदिया की है बुराई, मैं छड़ दी। हुण जे कुड़ी पल्ला फड़ के फिर कवे मुंडे दा कद छोटा है, इहदा रंग काला है, इहदे मेरे बाप ने धक्का कीता है, इह ना बसी, इह समझ लो आई लो वापस, इह डोली घर पहुंचे इन्नी बड़ी है। पल्ला फड़न तो पहला इह गल चेते रखनी। हुण इह गल्लां करदे ही नहीं असी आपां,
सानू तो बैंड बाजे वालिया ने पागल किया हुंदा विआह च। जिस धी ने यह गल पला फड़न लग्या रागी सिंघां दी सुन लई कि उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंझाई छड़ दित्ती मैं कल नूं मेरियां सहेलियां की कहणगियां। छोड़िया हब किछ त्यागी, हब किछ दा मतलब की सब कुछ, इन भी ये त्यागिया वो त्यागिया वो त्यागिया ये नहीं त्यागिया ना, सब कुछ छड़ दिता है। ते सबे काज उस वक्त फिर पूरे होंदे ने। हब किछ त्यागी, सब कुछ छड़ दिता, फिर की कीता? हबे साख कुड़ावे डिठे तो पले तेंडे लागी। उस पला फड़न तो बाद तुसी वेखो उस बच्ची दे राइट किन्ने आ गए। उस पला फड़न तो बाद किसी की हिम्मत है कि उस बच्ची को घरों कढ देवे? एक डोमेस्टिक ला है, शायद मैं आप जी नूं दस दिया, मैं दुनियावी कानून की गल करदा, रब दे कानून तो बड़े परे ने ना, जो चलने ने उत्थे तो किसी ने लभना नहीं ना, उत्थे किसी 5 लाख के वकील की चलनी ना, उत्थे 10 लाख के वकील की चलनी है। दुनियावी कानून भी कहिंदा है, एक डोमेस्टिक ला है, वह की है कि कुड़ी तुहाडे घर च रहेगी, तुहानू अपने घर दे विच उहनू किचन अपने घर विच कमरा अपने घर च बाथरूम बना के देना होएगा, क्योंकि पल्ला फड़ के आई है। वह भज के गड्डी च नहीं चढ़ी, उन्हें भरी बरादरी च पल्ला फड़िया सी, उन्हें तुहाडे नाल कुछ कमिटमेंट कीतियां सी, उन्हें उस्तत निंदा छड़ दित्ती सी, उन्हें तुहाडे ते भरोसा कीता सी। सतगुरु महाराज कहिंदे ने मंगर माहे सोहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां। वह किहड़ियां जीव आत्मा शोभदियां ने जिहड़ियां अपने पति परमात्मा कोल आके बैठदियां ने? चलो गुरुद्वारे ना सही, कदे घर रब कोल बैठे हो, तुसीं कहोगे साडे घर ते रब है ही नहीं। रब किथे नहीं हैगा? कोई है थां जिथे रब नहीं हैगा? तेरे घर च भी रब नहीं हैगा, तेरी दुकान विच ही रब नहीं हैगा, गुरुद्वारे च तू ओदा नहीं मनदा, फिर दसो फिर तू फिर कादा धर्मी है भाई? तू तो कर्मकांडी है। इसे करके अज 100 चो 70-80 बंदे तांत्रक ने धर्मी नहीं है। आ मुंदरी पा लो जी, आ धागा पा लो जी, आ तवीत पा लो जी, आ मौली बन लो जी, आ कंठी पा लो जी, ये तांत्रक बंदियां दे काम ने। धर्मी बंदे दा काम है सच बोलना, धर्म कमाउणा, किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना, ये धर्मियां दे काम ने। जिहड़े सानू लोग मिलदे ने ये तांत्रक लोग ने, ये जंतरां मंत्रां दे विच गवाचे हुए लोग ने। मैं एक वारी नहीं, मैं ये गुरु की हजूरी विच, हालांकि वह बंदा जेल भी गया, सारी दुनिया उन्हें जानती है, पर मैं एक गल की उस बंदे नूं दाद दिना, उहदा नां सी चंद्रा स्वामी। उन्हें कदे नहीं लिखिया मैं संत हाँ, मैं साधु हाँ, ना। अज भी उहदी गूगल ते चले जाओ, सर्च करो, उहदी उत्थे लिखिया होएगा तांत्रक चंद्रा स्वामी। इत्थे दुख की है भी जिहड़ा सुआह दीआं पुड़ियां देंदा उह कहिंदा मैं संत हाँ, तू लिख तांत्रक की तराज है? मैं कुल्फी वेचा तो मैं लिखना चाहिए ना कुल्फी वाला, हुण मैं लिखिया होवे ड्राई फ्रूट वाला तो वेचदा हां कुल्फियां। आ हालत है लोगों की, देने धागे च भी तो कहना मैं संत हाँ, भी तू संत कितों हो गया? कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। तू नाम जपाते असी भी कहीए तू संत है। तांत्रक संत नहीं होंदे,
असी तांत्रिक विद्या दे विच गुवाच गए। जिहड़ियां जीव आत्मावां परमात्मा कोल बैठदियां ने मंगर माहे सुहंदियां वो शोभदियां ने हर पिर संग बैठड़ियां हरिपति रब परमात्मा तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मिलणियां। हुण उस पत्नी दी शोभा जिनू पति परमात्मा ने आप मलाया होवे अपने नाल, सतगुरु कहिंदे तुसीं उहदी शोभा गिणी नहीं सकदे। गिनण तो भाव हुंदा काउंटिंग करनी, गिनण तो भाव हुंदा उहदी कैलकुलेशन करनी, उहदी गिणती मिणती करनी। इहदे अर्थ जे समझ आ गए तो तुहानूं गल भी समझ आ जाएगी। तिन की शोभा क्या गणी, इत्थे गुण नहीं है गणी है, गणी दा अर्थ हुंदा गिणना। उहदी शोभा नूं गिण के हजारां दे विच लखां दे विच करोड़ां दे विच तुहाडे कोले रकम नहीं होएगी कि तुसीं लिख सको। तिन की शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां, जिन्हां नूं साहिब ने आप मिलाया उहनां दी शोभा नूं कोई गिण नहीं सकदा, काउंटिंग नहीं कर सकदा, उहदी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, उहदी गिणती मिणती नहीं हो सकती। उहनूं रकम दे विच हिंदसियां दे विच अखरां दे विच लिखिया नहीं जा सकदा। तन मन मौलिया राम सिउं संग साध सहेलड़ियां, हुण उहदियां सहेलियां कौन ने? साधू रब दे प्यारे। उहदी अपनी दशा की है? तन मन मौलिया राम सिउं, उहदा तन ते मन खिड़िया होया है रब दे उस प्यार दे विच। जिहड़ी बच्ची विआहुण तों बाद अपने सहुरे घर जा के सुखी है खुश है, तुसीं उस बच्ची नूं पुछण दी लोड़ नहीं तुहानूं। उहदा चेहरा, उहदा हाव भाव, उहदा घरों बाहर निकलना, घर आउणा, पेके आउणा, रिश्तेदारां कोल जाणा, विआह शादियां च तुहानूं मिलणा, तुहानूं पुछण दी लोड़ ही नहीं पैणी। पर जिहड़ी कुड़ी दे मूँह ते मुड़ के कदे हासा ही ना आया होवे, कदे चेहरे ते रौनक ही ना आई होवे, ते पुछणा ही पवेगा ना वी धीए तूं सुखी वी है? जिहड़ी जीव आत्मा परमात्मा पति दे उस प्यार विच मौली गई, जिहदा तन मन मौलिया है, उस रब दे प्यारे दा चेहरा खिड़िया होएगा। तवे वांगू धमाकिया होया नहीं होएगा, सड़िया होया नहीं होएगा, उहदे मत्थे ते त्यूड़ियां नहीं होणगियां। तुसीं वेखियो कई खिजे पए हुंदे ने, हरी पाठ पूजा करदे, किहदी पाठ पूजा करदे? रब कोई रोंदा कर लाउंदा? रब है जिहदी पाठ पूजा करके तुहाडा मूंह सड़िया हो गया? नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नाश। जिहड़ा व्यक्ति ये ढोंग करे ना भी शायद बाणी पढ़ पढ़ के ही हो धोकिया गया है, बाणी पढ़ पढ़ के ही हो जी उहदा ते खून भी सड़ गया है, खून उहदा ईरखा च सड़िया होना है, क्योंकि कई इस खाते च भी तुरे हुए ने। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡਿਆ ਹੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ। ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਇੱਕ ਕਫਣੀ ਜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੀ ਕਫਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ
कि मैं तो सारा कुछ ही छड़ देता है, ये उस तो भी खतरनाक है। वेखो घर जायदाद छड़न की लोड़ नहीं, तुसी बच्चों 30-35 साल दे हो लेना तो इन्होंने आपे छड़ा लेना है, ऐ सब कुछ रगड़ा मगरा सब ठीक हो जाएगा। एक हंकार है जिहड़ा जदे बंदा छड़े जां बंदे दा रब छड़ावे नहीं तो बाकी नहीं छुटदा है। तुसी वेख्या होना कि कईआं कोल कख भी नहीं हुंदा, आकड़ फिर चुकी फिरदे हुंदे ने। मैं ऐसिया माइया वेखिया ने गुआढ़ियों के न्याणियों तो रोटी खाई जांदियां ने, सुनावे पुत की हाल है, पुत मेरी बहू का की हाल है, पुत वड्डे काके की सुना। वो काका घर वाली नूं कहिंदा भी जाए सवेरे तां बेबे नूं चाह दे के आउणी, ते इक माई घर बैठी है। वो घर वाली भी कहिंदी भी खबरदार जे तू मैनूं कहा भी इहनूं सवेरे चाह देनी इस बुढ़ी नूं, मैं नहीं देनी। उहदे कोल की है, वह हंकारी इन्ना चुके तुरी फिरदी है। मैं ऐसिया माइया वेखिया ने गुआढ़ियों दिया नौवां तो रोटी खाई जांदियां ने, ते कई ऐसिया ने जिहड़ियां जिन्हां अपनियां भी पका के नहीं दिंदियां, क्योंकि वह किसी ने समाई करन नूं तैयार ही नहीं, आकड़ी इन्नी है। बाकी चीज़ां तुहाडे तों सारिआं ने खोह लैणियां ने, शरीर भी रब ने खोह लैणा है, हौली हौली इन्हें जर्जरा हो जाना है, अखां कन्न सब चले जाने ने। एक हंकार है जिहड़ा जां ते फिर तेरे तों रब छड़ाएगा ते जां फिर तू खुद छड़ेगा। ये मत सोचना भी कोई थोड़ी जी चीज़ छड़ दित्ती ते धर्मी हो गया। सब तो वड्डी छड़न वाली जिहड़ी चीज़ है वह तेरा हंकार है, जिन्हें तेनों घर के पुत्रां तों रोटी नहीं खाण दित्ती, घर दीआं नौवां तों रोटी नहीं खाण दित्ती, तेरी घर विच समाई नहीं होण दित्ती। पर ऐसे लोग भी है जिहड़े गुआंढियां दे धीआं पुत्तरां नूं तो रोटी खवाई जांदे, उहनां तों कपड़े धोई जांदे ने अपने। सिर्फ दो शब्द कहे ने, किते इन्नी गल घर दी नूं उहनूं कही हुंदी, जिहड़ी घरों बाहरों माई आवे उहनूं कही जावे उदां ही मेरी नौ ते बड़ी चंगी है, लै वेखो भला सवेरे चूरी कुटदी कि नहीं कुटदी नौ। ते जे आउंदे किसी दे कही जाना है पता नहीं किहड़े घराने चो आई है, इक लछणी जदों दी आई है, तू भैणे पुछना, मैं ते बस अपना बढ़ेपा कट्टी जानी है। वो फिर नौ भी चौंके च कही जांदी हुंदी कोई नहीं माई इहनूं जा लैणा दे, तेरे पैरां ते चिमटे मारूगी। कितने इन्नी सिफत अपनी नूंह की कीती हुंदी है, जे कपड़े प्रेस करके हंगर ते ना टंग दी ते मैनू कह दिंदी। साडा माण है जिहड़ा असी किसे दे लई दो शब्द नहीं किसे नूं कहण दिंदे। साडा हंकार है कि मैं किसे नूं चंगा किवें कह दिया जी, तू किसे नूं नहीं कहेगा, ये चेता रखी तैनूं कोई नहीं कहेगा, दित्ता लई है अपना। मैं एक दिन पहला भी बेनती की थी सी भी ऐसा यूनीवर्सल ला है, दिता लईए अपना, जे कुछ दिता है तो वापस ले लियो, जे नहीं दिता तो कुछ नहीं मिलेगा, इत्थे भी उत्थे भी अगे भी, जे इत्थे नहीं दिता तो अगे भी कुछ नहीं मिलना। जे किसी नूं चाह पियाई है तो तुहानूं मिल जाएगी, जे किसी दी दो शब्द बोले ने तो मिल जाएंगे, जे किसी की इज्जत की है तो इज्जत वापस आ जाएगी, नहीं तो कोई नहीं जे आनी। दिता लईए अपना, पता करो कदे किसी को कोई चीज़ दिती है जिहड़ी तुसीं आप मंगते हो भी मैनू भी दवे कोई, जे किसी को मोढ़ा देता है तो मरन लग्या तुहानूं भी मिल जाएगा, जे किसी के भोगते गए हो तो तुहाडे भोगते भी कोई आ जाएगा, नहीं तो मत आस करो जे मगरों बंदे इकट्ठे होणगे कोई नहीं होने। मैं बड़े वड्डे गुरु के कीर्तनीए दे मैं ना नहीं लैना चाहता, लुधियाने मॉडल टाउन एक्सटेंशन उहदी घरवाली का भोग, पहला तो सब तो वड्डा गुरुद्वारा लुधियाने का वो है मॉडल टाउन एक्सटेंशन, उहदा दीवान हाल वेखदिया वेखदिया ही अखां गांह गांह तक चली जांदियां ने। फिर बाहर रोड तक टेंट लगे हुए, दरियां विछियां होईयां, मैं तो कुदरती गया मैं की होया, कहिंदे जी उहनां दी घरवाली पूरी हो गई तो उहदा भोग है। तो शामी पता लगा भी बंदा 100-150 ही सीगा,
हजार बंदे का तो हाल ही है, तो बंदा पता लगा भी 100-150 सी होया कि भी सारी उम्र पैसे लैके कीर्तन किया भोगा ते कदे किसी के फ्री गए होंगे तो कोई भी फ्री आ जाता। हुण जदों आप 31,000 लैके कीर्तन किया हुण तू भी 31,000 दे सारा गुरद्वारा की तू लुधियाणा भर ला पावे। जदों जाना ही पैसे लैके भोगते है तो फिर तेरे भोगते भी पैसे लैके आउणगे लोग। सतगुरु पिता महाराज बाणी समझाउंदे ने तन मन मौलिया राम सिउं, जिहदा तन भी खिड़ गया जिहदा मन भी खिड़ गया है ते जिहदियां सहेलियां कौन ने संग साध सहेलड़ियां, गुरमुख रूहां नूं अपनियां सहेलियां बनाया है, सतसंगी भैणा बनाया है। जिस जीव आत्मा दी ये करनी है साध जना ते बाहरी से रहन अकेलड़ियां, तो जिहड़े सतसंग चो बाहर चले गए गुरमुखां दी शोभत विचों बाहर चले गए वो फिर इकले रहिंदे ने। अरदास करो कि महाराज तुहानू संगत विच जोड़ के रखे, ये हकीकत है। संगत तो बगैर बंदा कुछ भी नहीं हैगा। हुण तुसीं कहो जी भगती करनी है ना तो घर च बह के नहीं हो सकती, वो भी पहाड़ा ते बह के भी हुंदी सी, पर पहाड़ा ते बैठिया नूं जदों गुरु नानक मिलिया तो पहला ताप ते उन्हां नूं ये चढ़ गया भी तू कित्थों आ गया तो दसो। तो जे आपां इत्थे गुरुद्वारे बैठे हजार बंदा बैठा वा तो इत्थे भावें 50 बंदे आ जाण सानूं की फर्क पैंदा भी ये कौन ने जी कित्थों आए ने जी। उन्हां नूं गुरु नानक दी सब तों वड्डी तकलीफ होई भी तू किवें आया है तू कित्थों आया है, साडे कोल ते करामातां ने साडे कोल रिधियां सिधियां ने। कदे सिद्ध गोष्ट बाणी पढ़ो तो पता लगे ना कि सिद्ध योगी लोकां दा गुरु नानक नाल कादा झगड़ा सी, कोई जमीन दा कोई गली दा कोई दरवाजा सी भी कदे दरवाजा दरवाजे दे सामने कढ लिया बाबे नानक ने जाके, कख भी नहीं सी उत्थे ना उहनां दे कोल कुछ खाण नूं ना पीण नूं। मलंग साधू बैठे ने पहाड़ां ते तो पै गए बाबे नानक नूं, उड उड के विखाया उन्होंने इन्नी ईरखा। ईरखा कले होण दी है, संगत च बह के नाम जपोगे ईरखा मुक जाएगी। से रहन अकेलड़ियां तिन दुख ना कबहू उतरै से जम के वस पड़ियां, इहो जिहां दा दुख कदे उतर ही नहीं सकता। इहो जिहां नूं जमा दे वस विचों पैण तो कोई रोक ही नहीं सकता। जिन्नी राविया प्रभ अपना से दिसण नित खड़ियां, जिन्हां ने अपने मालक इष्ट परमात्मा नूं सिमरिया है वो तो सुरखरू ने, उन्हां दे मुख उजले ने, वो ते खिड़े मथे वालियां भैणां ने जीव आत्मावां ने, वो जग्यासू रूहां ने। रतन जवेहर लाल हर कंठ तिना जड़ियां, की सोच सकते उन्होंने किन्ने हार शिंगार किए होंगे। दुनिया च कोई मॉडलिंग करे ना, कोई मॉडल आ जाए किसी कलोनी महल्ले च तो जिवें कमले पेंड उठाउंदा सब दुनिया कट्ठी हो जाती है, पर जे उस महल्ले च रहन लग जाए तो मेरे ख्याल लोग वेखणों भी अड़ जाणगे। कदे बॉम्बे दे किसी बंदे नूं सुणिया भी एक्टरां नूं वेखण जांदे होण? कोई नहीं जांदे, क्योंकि ये जिहड़ा वेखना है ना ये एक दो चार वारी की भुख है, इस तो अगे नहीं खत्म हो जाएगी। पर रब दे प्यारियां दे दीदार करन दुनिया जांदी है। देखो कैसी सच्चे पातशाह ने उस्तत कीती है कि उस जग्यासु रूह की अवस्था यह है कि रतन जवेहर लाल हार कंठ तिना जड़ियां, इन्ने हार शिंगार उन्हां दे गले विच ने जिन्हां ने परमात्मा नूं खुश कर लिया, जिन्हां ने संगत विच बह के उन्हूं सिमरिया। नानक बांछै धूड़ तिन प्रभ शरणी दर पड़ियां, ये मॉडलिंग करन वालियां दी कदे किसी ने पैरां दी मिट्टी चुक के मत्थे लाई है? साधुआं दी मिट्टी पैरां दी मिट्टी भी चुक के लोग मत्थे नूं लाउंदे ने। जिथे मेरे गुरु नानक ने पैर रख दिता है, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोवा
दुनियावी चमक दमक की कोई कीमत नहीं है। मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया, मंगर महीने विच जेड़ा परमात्मा नू सिमरेगा नहीं उन्हू कदे मुड़ के जमना नहीं पवेगा, नहीं जमण तो भाव फिर उन्हू कदे मरना भी नहीं पवेगा, क्योंकि जे तुसी मरना नहीं चाहते तो तुहानू जन्म रोकना पवेगा, जे जन्म हो गया तो मौत निश्चित है। इस करके आवागमन ही मुक जाएगा, जन्मा जन्मांतरां दे गेड़ मुक जाणगे जे उस प्रभु परमात्मा नू इस महीने बैठ के सिमरांगे। इन्ने शब्द प्रवान करना जी, भुल्लां बख्शो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।